नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नायर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। माहवारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होती है, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए मैं आज आपके लिए कुछ उपचार लेकर आई हूँ। तो आइए बिना किसी देर के आज जानते हैं माहवारी को ठीक करने के लिए कुछ उपायों के बारे में। टिप नंबर 1 है जीरे का पानी। आप जीरे के पानी का प्रयोग करके अनियमित माहवारी को ठीक कर सकते हैं। ब्लीडिंग को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यदि पीरियड्स के टाइम पर ब्लीडिंग कम हो या फिर ओवरफ्लो ब्लीडिंग हो तो ये हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। आप अनियमित माहवारी को जीरे का पानी पीकर ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है पपीता। पपीते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर माहवारी बार बार परेशानी ना क्रिएट करे तो आपको पपीते का सेवन भी करना चाहिए। टिप नंबर 3 है गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसीलिए आप गुड़हल के फूल का प्रयोग करके भी अपनी माहवारी को ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 है तुलसी। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए और माहवारी की समस्या को दूर करने के लिए आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी को अपनी चाय के अंदर प्रयोग कर सकते हैं या फिर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 4 है अंगूर। रोजाना अंगूर का जूस पीने से भी अनियमित माहवारी से आपको बहुत ही जल्द निजात मिलती है। नंबर 5 है धनिया या फिर सौंफ। धनिया और सौंफ दोनों ही गर्म होते हैं, इसीलिए आप इनका काढ़ा बनाकर भी अपनी अनियमित माहवारी को ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे आसान से उपाय जिन्हें आप घर बैठे आजमा सकते हैं और अपनी अनियमित माहवारी से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।